पिस्तौल जैसा एक वेपन उसका खौफ बताकर नाला सोपारा में नेकलेस ज्वेलर्स नामक एक सर्राफे की दुकान में चोरी कर फरार हुए आरोपियों को नाला सोपारा पुलिस ने गिरफ्तार किया है। घटनाएं 26 नवंबर की, जहां पर नेकलेस ज्वेलर्स नामक सर्राफा की दुकान में घुसकर नकली पिस्तौल की दोस्त दिखाकर वहां से आभूषण लेकर फरार हुए आरोपियों को मीरा भाईंदर वसई विरार पुलिस आयुक्तालय अंतर्गत नाला सोपारा पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के आधार पर नाला सोपारा पुलिस ने तुरंत संज्ञान लिया, गहन छानबीन की तथा आखिर में जाकर पुलिस ने शातिर अपराधी को, जिसका नाम कलेश गुप्ता बताया जाता है, थाने के दीवा परिसर से गिरफ्तार कर उसके पास से पुलिस ने अपराध में इस्तेमाल की गई वैगनर गाड़ी तथा सोना बरामद किया है। यदि पुलिस की माने तो आरोपी के खिलाफ रबाले नवी मुंबई, नागपाड़ा मुंबई तथा वाशी में रॉबरी व चोरी के मामले दर्ज है। इस संदर्भ में एसीपी चंद्रकांत जाधव ने क्या कहा, सुनिए। नाला सपारा पुलिस स्टेशन के ज्यूरिडिक्शन में 26/11/2022 को पाटनकर सिग्नल है, यहाँ पे एक नेकलेस ज्वेलर्स नाम का ज्वेलर्स दुकान है। उनके मालिक जो सुरेश कुमार धाकड़ है, वो दुकान में बैठे थे। तभी दोपहर में 1:45 से 2:30 बजे के बीच में एक अननोन पर्सन आके वहाँ पे उनको पिस्टल जैसे वेपन का धाक दिखा के उसमें से उनके ज्वेलर दुकान में से 150 ग्राम सोना लूट के लेके गया था। उसके बारे में नाला सपारा पुलिस स्टेशन में रॉबरी का गुनाह दाखिल है। एक केस के बारे में फिर गुनाह इन्वेस्टिगेशन के बारे में सीनियर ऑफिसर्स के इंस्ट्रक्शन के ऊपर नाला सपारा पुलिस स्टेशन के सीनियर इंस्पेक्टर सुपे साहब है, बाद में क्राइम पीआई सोनो ने, एपीआई तड़ेकर, एपीआई मस्के और डिटेक्शन स्टाफ जो है धनु है, पुलिस हेड कॉन्स्टेबल धनु है, बाद में जो कल्याण बाचकर है, राजेश नाटुलकर है, धोने हैं, और ये सब ऑफिसर इन्होंने वहाँ पे मिले हुए जो इन्फॉर्मेशन है और जो टेक्निकल एविडेंस कलेक्ट करके वो आरोपी के यहाँ तक पहुँच गए और वो आरोपी को अरेस्ट किया है। वो आरोपी को अरेस्ट करने के बाद वो आरोपी ने जो ये गुनाह करने के लिए जो गाड़ी यूज़ कर दी थी, वो गाड़ी भी मारुति वैगनर है, लगभग उसकी 4 लाख की कीमत है, वो गाड़ी भी हस्तगत कर दिए है। और आरोपी के पास से अब तक की पुलिस कस्टडी रिमांड की वैगनर है, लगभग उसकी 4 लाख की कीमत है, वो गाड़ी भी हस्तगत कर दिए है। और आरोपी के पास से अब तक की पुलिस कस्टडी रिमांड में 51 ग्राम 1,98,000 का मुद्देमाल भी हस्तगत किया हुआ है। बाकी का मुद्देमाल हस्तगत करने की कोशिश चालू है। आरोपी के खिलाफ ये नाला सपारा पुलिस स्टेशन का जो है गुना दाखिल है 538/22। इसके अलावा रबाड़े नवी मुंबई, नागपाड़ा मुंबई और वासी में रॉबरी और चोरी के गुने दाखिल है और रिकॉर्ड का आरोपी है। क्या अंजाम क्यों दिया था? लूट की वारदात को अंजाम क्यों दिया था? चोरी करने के पीछे की वजह उसकी पर्सनल लोन वगैरह है, वो गाड़ी के ऊपर लोन वगैरह है, उसकी पर्सनल इश्यू के वजह से उसने वो चोरी करने का प्लान किया। हाँ, इसमें जो उन्होंने वेपन, उसने आरोपी ने जो वेपन यूज किया है, वो वेपन मतलब जो है लाइटर है एक्चुअली, लेकिन दिखता लगभग पिस्टल के जैसा ही है, कोई भी आम आदमी डर सके। और उसके पास एक चाकू भी उसमें मिला था, वो दोनों हस्तगत किए गए। उसका पिछला बैकग्राउंड उसके ऊपर रबाड़े नवी मुंबई में एक केस है, नागपाड़ा मुंबई में एक है और वाशी नवी मुंबई, ऐसा 3 केस चोरी और रॉबरी के केस है।